लर्नर्स, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? लेट मी सी, वीडियो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ आप लोगों के सामने अभी तक? सो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब अन अकेडमी, एंड हेयर वी आर डूइंग दी. आज मैं आपको फ्लैश रिविजन सीरीज में कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन करवाने वाली हूँ और कॉन्सेप्ट भी कराऊंगी, साथ में एमसीक्यूज भी कराऊंगी. हेलो नरगिस, हाय अजहर, हाय नन्या, हाँ जो भाई सभी अपना ज्वाइनिंग ले लो. हाय सुमन, हाय रीटा, हाय सुरभि रावत. वीडियो अभी तक शुरू नहीं हुआ ऐसा हमें दिखा रहा है. ओके ओके, सो गाइस फाइनली इट हैज बीन स्टार्टेड, शुरू हो गया. हेलो प्रासून गुप्ता. सो गाइस, पहले तो सबसे पहले आपके लिए यही मैसेज है, अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लो अगर अभी तक फॉलो नहीं किया. वी आर वेरी नियर टू 20K फैमिली, तो बहुत जल्द हमारी 20,000 फैमिली हो जाएगी. और टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा वहाँ जाके, तो कर लीजिएगा ओके, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है. ओके सो गाइस, आई एम दी वेरीफाइड नंबर वन टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड यूजीसी नेट कैटेगरी, एंड ऑल्सो आई एम दी यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, हाय अजहर, हाय बसंती, हाय रजे, सभी आ जाइए, ज्वाइनिंग ले लीजिए. हाय हिमांशी. अच्छा गाइस, अनलॉक के लिए आपसे कोड मांगेगा, रेफरल कोड मांगेगा आपसे, तो मैं आपको अपना रेफरल कोड बता देती हूँ ताकि आप अनलॉक करने में दिक्कत ना हो. सो गाइस, माय रेफरल कोड इज तान्या लाइव, TANYALIVE. जैसे ही आप यूज़ करेंगे ओके, तो आपका ये सारा अनलॉक हो जाएगा. ये है मेरा रेफरल कोड, तान्या लाइव, TANYALIVE. चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, आज की क्लास में हम कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन करने वाले हैं. पहले आपको इन दोनों के दर्शन करा दें. सो गाइस, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये है कोब, और जो राइट हैंड साइड पे है ये है पोल डगलस. और मुझे फटाफट से ये बता दो कि कौन से साल में इन्होंने अपना प्रोडक्शन फंक्शन दिया है जो इतना फेमस हो गया. इन विच ईयर ही दे हैव गिवन देयर फॉर्मूला. ओके, they have given their production function. Hello Jaki Hussain. हाँ जी, किसने कौन से ईयर दिन में दिया था पता है किसी को? कुछ दर्शन तो आपने कर लिए कॉप डोगलस के, ये पता है कि दिया कौन से वाले उसमें था, शायद किसी को आइडिया नहीं है. चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ आपको कब दिया था इन्होंने. इन्होंने कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो आप लोग पढ़ते हो 1927 में दिया था. ठीक है, थोड़ा सा ईयर आप याद रखना कि 1927 में इन्होंने दिया था. ओके सो गाइस, कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन दो जनों ने दिया था, चार्ल्स डब्ल्यू कॉब और पोल एच डगलस. इट इज़ अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन विच इम्प्लाइज दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंड लिमिट तक आप उसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. दो जनों ने इसे मिलकर दिया है. ओके, पोल एच डगलस और चार्ल्स कोब ने इसे मिलके दिया. तो देखिए, बेसिक्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे नज़र आता है, देखने के लिए मिलता है. क्यू इज इक्वल टू ए एल रेस टू द पावर अल्फा, के रेस टू द पावर बीटा. अब एक एक चीज़ों का मतलब समझो कि ये चीज़ें हैं क्या. देखिए, क्यू होता है आप लोगों का आउटपुट. ठीक है, क्यू है आप लोगों का आउटपुट, जिसे आप हिंदी में उत्पाद भी कहते हो. एल क्या है? एल है आप लोगों का लेबर, जिसे आप हिंदी में श्रम भी कहते हैं. के आप लोगों की क्या है? के है आप लोगों की कैपिटल, जिसे आप हिंदी में पूंजी भी कहते हैं. तो सबसे पहले मैं ए के बारे में बात करूंगी. ए क्या बताता है? देखिए, ए आप लोगों को इसके अंदर एक तरीके का पैरामीटर है. ये आपको बताता है टेक्निकल एफिशिएंसी के बारे में. ये आप लोगों को बताता है कि भैया क्या टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, कितनी एफिशिएंसी चल रही है. अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इस प्रोडक्शन फंक्शन में बड़े इम्पोर्टेंट हैं. क्या बताते हैं अल्फा और बीटा? देखो, पहली बात तो अल्फा का काम ये है बताना कि आप अपने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कितना कितना क्या लेकर चल रहे हो. अल्फा आपको बताएगा लेबर की जो इन्वॉल्वनेस है वो कितनी है, या फिर कितना शेयर है, शेयर ऑफ लेबर के बारे में आपको बताता है. बीटा आपको क्या बताता है? बीटा आपको शेयर ऑफ कैपिटल के बारे में यहाँ पे ये बताता है. राइट, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है. बड़ी सारी चीज़ें इस प्रोडक्शन फंक्शन में आप लोग जानोगे कि क्या क्या बताते हैं. मैं एक एक करके आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट बता रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो. ठीक है, तो गाइस सबसे पहली बात देखो, जो
इसको मैं ट्विस्ट भी कर सकती हूँ। ट्विस्ट करने का मतलब हो सकता है मैं कैपिटल की पावर अल्फा दे दूँ, एल की पावर बीटा दे दूँ, तो आपने घबराना नहीं है। जो जिसकी पावर है वो उसी का शेयर बताएगा। ओके, क्या बताएगा? जो जिसकी पावर है वो उसी का शेयर यहाँ पे ये बताएगा, तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब जैसे इसकी यहाँ पे एक प्रोडक्शन फंक्शन है, क्यू इज इक्वल टू ए एल रेज टू द पावर 3/4 के रेज टू द पावर 1/4। ए तो आपको पता है एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को बता रहा है, लेबर का शेयर कितना होगा इसके अंदर खुद ही बताओ। लेबर का योगदान, श्रम का योगदान कितना हुआ इस प्रोडक्शन फंक्शन में, जो मैंने आपको लिख कर दिया है प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ, लेबर का योगदान जो है शेयर यहाँ पे 3/4 हो गया। कैपिटल का कितना हो जाएगा? कैपिटल का यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप अल्फा और बीटा का सम करते हो तो अल्फा और बीटा का सम करने पे आपको मिलते हैं रिटर्न्स टू स्केल, जिसे आप हिंदी में पैमाने पर रिटर्न भी आप लोग इसे यहाँ पे बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल आपको पता लगते हैं। और रिटर्न्स टू स्केल की कोई ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, आपको दिखाते हैं, इट इज़ वेरी इजी कैसे आप लोग बता सकते हो रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। देखिए, अगर आपने अल्फा और बीटा का सम किया इट इज़ इक्वल टू 1, तो आप ये समझ लीजिएगा कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, पैमाने के निरंतर है। फिर अगर ये लेस देन 1 है तो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। अगर अल्फा और बीटा का सम आपका ग्रेटर देन 1 है तो आप लोगों का यहाँ पे ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है, क्यू ए के रेस टू द पावर 0.67 एल रेस टू द पावर 0.3। मेरे को फटाफट से ये बताओ कि इसके अंदर कौन से रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, साथ में मैं आपकी चेकिंग भी कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इस प्रोडक्शन फंक्शन के कौन से रिटर्न्स टू स्केल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, किस तरीके के आपको नज़र आएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, रिटर्न्स टू स्केल इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दूसरा अपना रिटर्न्स टू स्केल। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट रिटर्न्स टू स्केल, ये आपका लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है जी? ये दीर्घकाल वाला, लॉन्ग रन वाला कॉन्सेप्ट है। इससे आपको ये पता लगता है ये प्रोडक्शन फंक्शन आपका लॉन्ग रन है। ठीक है, तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया अल्फा और बीटा बड़ी सारी ड्यूटीज़ निभाते हैं यहाँ पे, तो एक ड्यूटी अल्फा और बीटा और निभाते हैं, वो क्या निभाते हैं मैं भी आपको बता देती हूँ। देखिए, अल्फा जो है आपको इलास्टिसिटी के बारे में भी बताएगा। इलास्टिसिटी क्या होती है, लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे शेयर तो बताता ही है, यहाँ पे हमारी 0.67 थी। ठीक है, शेयर के साथ साथ ये लोचशीलता के बारे में भी बताता है, इलास्टिसिटी के बारे में भी बताता है। अगर कैपिटल की पावर है तो कैपिटल की इलास्टिसिटी बताएगा, यानी कि पूंजी में बदलाव होने से, 1% का बदलाव होने से आउटपुट में, उत्पादन में कितना फर्क आएगा, कितना बदलाव आएगा, ये होती है आपकी कैपिटल इलास्टिसिटी। ऐसे ही अगर मैं लेबर इलास्टिसिटी की बात करूँ, लेबर इलास्टिसिटी क्या होगी, श्रम में 1% का परिवर्तन होने से, जब हम लोगों ने पूंजी को कांस्टेंट रखा है, पूंजी को स्थिर रखा है, तो उसके अंदर उत्पादन में कितना बदलाव आने वाला है, दैट थिंग वुड बी नोन एज योर लेबर इलास्टिसिटी, जिसे आप लोग श्रम की लोचशीलता के नाम से भी यहाँ पे आप इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूटी भी आप लोगों की अल्फा और बीटा ही निभाते हैं। अब देखो भाई, अगला पॉइंट, हम लोगों ने क्या क्या बात करी अभी तक, अगर मैं थोड़ा सा आपको समराइज करूँ, लेट मी टेल यू। यस, तो देखिए, अभी तक हमने रिटर्न्स टू स्केल के बारे में बात कर लिया है, इलास्टिसिटी के बारे में बात कर लिया है, और शेयर के बारे में बात कर लिया है, शेयर ऑफ इनपुट कितना कितना रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में अक्सर आता है भाई एवरेज प्रोडक्ट निकालो, यानी कि औसत उत्पाद निकालो, और दूसरी चीज आपसे पूछता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट निकालो, तो मार्जिनल के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, औसत उत्पाद क्या होता है, अगर मैं लेबर के लिए निकाल रहा हूँ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो आपको अपने आउटपुट को लेबर से डिवाइड कर देना है, यही तो होता है आपका औसत उत्पाद। ठीक है, तो जैसे ही जरा डेरिवेशन देखो, मैं इसको लेबर से डिवाइड करती हूँ, ए के रेस टू पावर अल्फा, और यहाँ पे अब मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको ना थोड़ा सा तोड़ के लिख लिया। तोड़ के लिखने का यहाँ पे मेरा क्या मतलब है,
मैंने एल के साथ अल्फा अलग ले लिया है, 1 माइनस अल्फा। हालांकि जब आप इसे सॉल्व करोगे, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, आनी तो पावर 1 ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन हमारी ये दोनों आपस में चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, सिंपल हो जाएगा, कहने का मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेके चले इसे, और ये हो गया ए के बाई एल रेज टू द पावर अल्फ़ा। और आपको पता है कि के बाई एल को आप स्मॉल के से भी डिनोट कर सकते हो, जो कैपिटल पर वर्कर जैसे आ जाता है ना, तो इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो। ये तरीका है इसका एवरेज प्रोडक्ट निकालने का, राइट। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, सिंपल। ऐसा नहीं है कि हमने कोई रूल अप्लाई करा है, इट इज़ वेरी सिंपल। जब भी आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालना होता था तो आप क्या करते थे, आउटपुट उठाते थे। अब मुझे लेबर का निकालना है तो मैं लेबर से डिवाइड करूंगी। अगर मुझे यही चीज़ कैपिटल के लिए निकालनी होगी तो मैं आउटपुट को उठा के किससे डिवाइड करूंगी, कैपिटल से डिवाइड करूंगी। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, एवरेज प्रोडक्ट समझ हो गया, आ गया। अब दूसरी चीज़ देखो भाई, इसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आजकल, एमपीके निकालना। ओके, तो गाइस एमपीके के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं या क्या हम लोगों को करना चाहिए, लेट मी टेल यू। हाँ जी, तो वेयर वर बी, ओके। सो गाइस एमपीके का मतलब क्या है, हम लोगों को करना है डिफरेंशिएशन। देखिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप में से किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो प्लीज़ आप जाके उसे सीख लीजिए। मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, आधे घंटे में सिखाया हुआ है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ इस वाली में। देखिए ये है हमारा ए के रेस टू द पावर अल्फ़ा, एल रेस टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा। जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालती हूँ तो मुझे कैपिटल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले मेरा अल्फ़ा आ गया पावर रूल के हिसाब से, पावर को मैंने एक कम कर दिया और पीछे क्या छूट गया मेरा, 1 माइनस अल्फ़ा। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब ये तो सिर्फ अभी आपने क्या करी है, एक सिंपल सी, वेरी सिंपल, दिस इज़ द डेरिवेशन। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सिंपल लैंग्वेज में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, देखो इस चीज़ को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, पावर कितनी थी, पावर थी अल्फ़ा माइनस वन, अल्फ़ा को मैंने ऊपर छोड़ दिया, माइनस वन वाली पावर नीचे ले गई ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अब अगर आप ऊपर वाली चीज़ को ध्यान से देखोगे, इसमें से अगर मैं अल्फ़ा हटा दूँ, अल्फ़ा को मैं बाहर ले आऊँ, तो ऊपर वाली चीज़ किसके इक्वल होती है, ऊपर वाली चीज़ हमेशा आपकी क्यू के इक्वल है, आउटपुट के इक्वल है। ओके, किसके इक्वल है, आउटपुट के इक्वल है। सो गाइस दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब कई लोग क्या करते हैं, उनको एग्ज़ाम में ऐसा लगता है डिफरेंशिएशन करना बहुत हमारे लिए मुश्किल है, या इस तरीके से दिमाग घूम रहा होता है उस टाइम के ऊपर, तो वो डायरेक्ट इस करक्स को ही याद कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको दिक्कत होती है डिफरेंशिएशन करने में, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल में आप आराम से इसको ऐसा भी याद कर सकते हो। जब आप सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये चेंज होता हुआ इधर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आसान तरीके से इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ जब आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है, लेबर के लिए आप क्या करोगे भाई, लेबर के लिए आपको लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एम पी एल निकालने के लिए लेबर की पावर 1 माइनस अल्फ़ा आगे आ गई, ए पीछे रहन दो, के की पावर अल्फ़ा भी, और एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1। इस तरीके से आप इसे लेके चलेंगे। सो 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय ए के रेस टू द पावर अल्फ़ा। कभी भी पावर आप लोग देखिए, 1 से 1 ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 1 से 1 दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर। ओके, तो ये आप लोगों का यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1। और यहाँ पे एल की पावर कितनी बचेगी, एल की पावर आप लोगों की बच रही है यहाँ पे। अच्छा एक काम करो, इसे ना और इजी तरीके से बताती हूँ, आप इसे अभी कट मत करो, ठीक है, कटिंग के बिना ही आपका काम चल जाएगा। 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1, तो ऊपर 1 माइनस अल्फ़ा रहने दो, माइनस वन वाली पावर को नीचे ले आओ, लेबर वाली एक पावर आपकी नीचे आ जाएगी। अब फिर से आपको वही चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या चीज़ नज़र आ रही होगी, कि हमारे पास जो आ रहा है क्या बच गया, 1 माइनस अल्फ़ा बच गया। ये क्या है, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, वाई है डिवाइड बाय लेबर। यानी कि कहने का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आप लोगों का यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय एल। इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो,
अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, दिक्कत होती है, भाई इतनी जल्दी डेरिवेशन नहीं हो रहा और 1 माइनस अल्फा हो सकता है आपका पेपर में बीटा हो, तो इस तरीके से भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे आराम से कर सकते हैं. ओके सो गाइज, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इसके अंदर कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है. और कांस्टेंट होने से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, कांस्टेंट होने से हमारा यहाँ पे मतलब जो लेबर एंड कैपिटल में हम लोग चेंज ला रहे हैं, एक कांस्टेंट बेस के ऊपर हम लोग चेंज यहाँ पे लाने वाले हैं. ये एक लोता ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जहाँ पे आप लोगों की इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन आप लोगों को 1 देखने के लिए मिलती है, आपको नज़र आती है. ओके सो गाइज, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. और अब बारी है हमारे MCQs की, क्योंकि यार नेट के लिए तैयारी कर रहे हो आप, IAS के लिए तो कर नहीं रहे, ये थ्योरी पढ़ा और हो गया, तो MCQs तो आपको ज़रूर ही प्रैक्टिस करने हैं. सो लेट मी शो यू आज का हमारा पहला क्वेश्चन. लो जी, तो ये ज़्यादा दूर तो मैं भी गई नहीं, ये सितंबर 2020 वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, सितंबर 2020 वाला ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. सबसे पहले क्यू इज इक्वल टू ए एल रेस्ट टू द पावर अल्फा के रेस्ट टू पावर बीटा, प्रोडक्शन फंक्शन ये रहा. कोफिशेंट ए शोज मैनेजेरियल एफिशिएंसी. इफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 देन द प्रोडक्शन एग्जिबिट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन L4K इज गिवन बाय बीटा के डिवाइड बाय अल्फा L. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय बीटा Q बाय K. ABC, ABD, ACD या फिर ABCD, कौन से वाला होगा? हिंदी वाला, हिंदी में देख लो भैया. उत्पादन फलन आपको यहाँ पे दे रखा है, ए प्रबंधकीय दक्षता को दर्शाता है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होंगे तो बढ़ते हुए रिटर्न दिखाएगा, और के और एल के तकनीकी प्रतिस्थापन की दर, बीटा के डिवाइड बाय अल्फा एल पूंजी का सीमांत उत्पाद क्यू बाय के द्वारा दर्शाया जाता है. ठीक है, बीटा क्यू बाय के द्वारा दर्शाया जाता है. ABCD केवल ABD, ACD, ABCD. ठीक है, तो भाई जिन्होंने भी ध्यान से पढ़ा है, सेशन को पूरा देखा है, तो आपको चुटकियों में आंसर समझ आ जाएगा. ABD इज द राइट आंसर. ए एफिशिएंसी को दर्शाता है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का मैंने आपको शॉर्ट तो पहले ही बता दिया था. सी गलत है. सी क्यों गलत है मैं बता देती हूँ. देखो ये MRTS पूछ रहा है लेबर फॉर कैपिटल के लिए, तो लेबर फॉर कैपिटल के लिए जब आप कोई चीज़ पूछो तो लेबर ऊपर आनी चाहिए, कैपिटल नीचे. इसने कैपिटल अपॉन में लेबर कर दिया, विच इज़ गलत, तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. देखो बीते कुछ सालों की मैं बात करूँ, 3-4 साल थे, तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन ना कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, और हर बार उसमें से क्वेश्चन वो दे ही रहा है. ओके सो गाइस, ये भी आपका 2020 का ही क्वेश्चन है. गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और कैपिटल. अब देखो भाई, जिसको दिक्कत होती है उस टाइम वो डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकता, फटाफट से आप अपना रूल अप्लाई करो जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का, वो आप लोग अप्लाई करके अपने चुटकियों में आंसर बता सकते हैं. उत्पादन फलन को देखते हुए जब 10L रेस टू द पावर 0.8 है, K रेस टू द पावर 0.2 है, तो श्रम की सीमांत उत्पाद लेबर वाली और पूंजी वाली कितनी होने वाली है? ABC केवल, ABD केवल, ACD और केवल ABCD. तो गाइस हमारे पास इसके भी आंसर आना शुरू हो गए हैं, एंड द करेक्ट आंसर जो हमें मिल रहा है दैट इज बी, और बी ही है इसका करेक्ट आंसर. जिनको तो समझ आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया उनको करा देते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ गई, ये आपका 0.8 इधर चला गया, के आप लोगों का 1 माइनस 0.2 करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 एल रेस्ट टू द पावर 0.8. K की पावर यहाँ पे नेगेटिव आएगी माइनस का, तो नेगेटिव छोड़ते नहीं, इसे आप यहाँ पे ऐसे नीचे ले जाओगे, तो ये आपका L/K रेस टू द पावर कितनी आ रही है, रेस टू द पावर आप लोगों को यहाँ पे
पावर आगे आ गई, एल रेस टू द पावर और के की पावर। हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, के की पावर ए एंड सी आर ट्रू। ओके सो गाइज, यहाँ पे ये पावर 0.8 है, 0.2 नहीं है, 0.8 है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, और यहाँ भी आप इसको 0.8 कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालोगे, लेबर के लिए पावर आगे आ गई मल्टीप्लाई बाय 10, पावर कम हो जाएगी, माइनस का 0.2, के की पावर 0.2, क्योंकि पावर हम लोगों ने कभी भी छोड़नी नहीं होती, तो के की पावर 0.2 डिवाइडेड बाय एल की पावर 0.2। इस तरीके से आप इसे लेके चलेंगे, एंड द करेक्ट आंसर हेयर टू बी ए एंड सी। और ए एंड सी आपका कौन से ऑप्शन में था, ए एंड सी आप लोगों का बी ऑप्शन में था, राइट। लो जी, अब ये क्वेश्चन है नवंबर 2017 पेपर थर्ड से लिया गया है। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर लीनियर होमोजेनिटी। हिंदी वाले हिंदी देख लें। कॉब डॉगलस उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू ए एल रेस्ट टू पावर अल्फा, के रेस्ट टू पावर 1 - अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन 0 की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल, प्रतिस्थापन की इकाई लोच, प्रतिस्थापन की परिवर्तनीय लोच, या फिर रैखिक समागता। ओके तो गाइस, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर सेकंड सही है तो थर्ड तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होती है। तो जब किसी चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होती है, तो भाई वो कैसे होगी, परिवर्तनीय कैसे हो सकती है, ठीक है, हो ही नहीं सकती। इसलिए करेक्ट आंसर है टू बी थर्ड। ये क्वेश्चन अब आपका दिसंबर 2019 का, मैंने बोला ना, देखो हर एवरी पेपर कोई भी उठा लो, मैंने तो ज़्यादा उठाया भी नहीं, 2019 और 20 का स्टफ मैंने उठाया है इस सेशन में, शायद 2018 के भी डाले हैं। 3 साल के ही आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन दिखा दूंगी, ज़्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। हेलो रजनी मिश्रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इट इज़ लीनियर होमोजीनियस फंक्शन, इट इज़ करेक्टराइज बाय कॉन्ट्रास्ट, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इट इज़ हैव जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ करेक्टराइज बाय यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हिंदी वाले हिंदी देख ले। कॉब डॉगलस उत्पादन फलन के लिए डैश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक रैखिक समरूप फलन है, इसकी विशेषता निरंतर पैमाने पर प्रतिफल है, इसमें कारक प्रतिस्थापन का शून्य लोच होती है, इसकी विशेषता स्थापन की इकाई लोच है। तो भैया फिर से वही बात, जब इकाई लोच है तो फिर जीरो कैसे हो सकती है। तो ये वाली आपकी नॉट ट्रू है, ये वाला आपका गलत है, एंड द करेक्ट आंसर है टू बी थर्ड। ओके सो गाइज, अगला क्वेश्चन, पता नहीं इस क्वेश्चन से बच्चे इतना डर क्यों जाते हैं, बट इट इज़ वेरी इजी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है आपने। कंसीडर एन इकोनॉमी विद अ लीनियर होमोजीनियस कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर रिस्पेक्टिवली 1/3, 2/3। देखो जितनी बात समझ आती है ना, उसको आप करने की कोशिश किया करो। जैसे कि ये क्या कह रहा है, कैपिटल का शेयर कितना है, कैपिटल का शेयर आपका 1/3, लेबर का शेयर कितना है, लेबर का शेयर है 2/3। इतना तो बना सकते हो ना। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर 6% और 3% पर एनम। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज 6% पर एनम, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ड्यू टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अर्थव्यवस्था में दो आगतों पूंजी तथा श्रम सहित कॉब डॉगलस उत्पादन के समरूप रैखिक फलन पर विचार करें। पूंजी तथा श्रम की हिस्सेदारी क्रमश 1/3, 2/3 है। पूंजी तथा श्रम की विकास दर 6% और 3% प्रतिवर्ष है। यदि निर्गत की वृद्धि दर 6% प्रतिवर्ष है, तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी TFP के कारण निर्गत की वृद्धि दर क्या होगी। ओके सो विल इट बी 1%, 2%, 3% और 4%, कितना होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। अच्छा, इसके अंदर कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार ना बच्चे आंसर ही रट लेते हैं, हाँ भैया 2% होने वाला है। तो भैया रटना नहीं है आपको, क्योंकि रटोगे तो हो सकता है मे बी आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई एग्ज़ाम में उसने डिजिट चेंज कर दी, फिर क्या करोगे। तो रटने वाला काम नहीं करना, इकोनॉमिक्स को जब भी करना है आपने समझ के करना है, ठीक है। अभी मैंने अगर अगला क्वेश्चन दिया, मैंने 1/3, 2/3 नहीं दिया, तो आपका तो आंसर चेंज हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व करके देखा करो। आई नो आपको आता है, बट फिर भी करो। ओके अच्छा, अभी देखिए ग्रोथ रेट के लिए हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं हम, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग क्यू, लॉग ए रेस टू द पावर 1/3, एल रेस टू पावर 2/3। देखो अगर आपने बेसिक लॉग पढ़ा हो तो आपको पता होगा
जैसे मैं लॉग लगाती हूँ एम एन पी के साथ, तो ये फॉर्मूला खुल जाता है, कैसा खुल जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को खोल देते हो। तो ये हो जाएगा आप लोगों का लॉग क्यू, ये हो जाएगी आपकी लॉग ए प्लस लॉग के रेस टू द पावर 1/3 लॉग एल रेस टू द पावर 2/3। प्लस लगा दिया ना, देखो एम एन पी जो अलग अलग थे, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी हमने कर दिया। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है, लॉग एम की पावर जब भी आपको एन दे रखी होती है तो पावर को आगे लाओ और बाकी को पीछे ले जाओ, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। लॉग क्यू इज इक्वल टू लॉग ए 1/3 में आगे ले आई, ये हो गया आपका लॉग के 2/3 हम आगे ले आए, लॉग एल चला गया पीछे। अच्छा मैंने आपको क्यों बोला था लॉग हम क्यों ले रहे हैं, लॉग हम इसलिए लेते हैं जब भी आप लॉग लेते हो तो यहाँ पे हमारा ये बन जाता है ग्रोथ रेट। ओके तो अब क्वेश्चन पढ़ो, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट कितना है, 6%। तो मैंने लॉग क्यू को यहाँ पे कितना रख दिया, लॉग क्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया है 6। ओके अच्छा उसके बाद भाई अगली चीज़ देखो, अगली क्या है आपकी, हाँ जी उसके बाद आपका लॉग ए, लॉग ए यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ड्यू टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये आप लोगों को निकालनी है तो इसको वैसे ही रहने दो, 1/3 तो आई है। लॉग के कितना है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल 6%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, 2/3। लॉग एल कितना है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर, ये है आप लोगों की 3%, ठीक है। तो भाई जो कटिंग हो रही है काट दो आराम से, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। लॉग ए ग्रोथ रेट ड्यू टू टोटल सेक्टर प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 2%। सो करेक्ट आंसर टू बी सेकेंड। ओके इस तरीके सेकेंड आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस अब बारी हमारे आज के बम्पर क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की, विच इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। Which of the following statements are true regarding the Cobb Douglas production function? It is long period production function, short period based on increasing returns to scale. Output elasticity with respect to factors are constant. A and C, A and D, B and C, and C and D. Okay. कॉब डॉगलस उत्पादन फलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये लंबी अवधि का उत्पादन फलन है, ये लघु अवधि का उत्पादन फलन है, ये पैमाने पर बढ़ते प्रतिफल पर आधारित है, कारकों के सापेक्ष उत्पाद लोच स्थिर होते हैं, ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड सी, सी एंड डी। जिसको भाई ज़्यादा टाइम चाहिए हो तो पोस्ट करके आप देख लीजिएगा बाद में। ओके और क्योंकि बम्पर क्वेश्चन है तो इसके बारे में आप सोच लीजिए, टॉप 10 के विनर्स भी इसी क्वेश्चन में अनाउंस होंगे। ओके सो गाइस ऑल दोस लर्नर्स जिन्होंने लेना है सब्सक्रिप्शन, दे कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी ऑन दिस नंबर 9818369115। एन अकेडमी के पेड कोर्सेज भी है, फ्री कोर्सेज भी है, जब भी जाओ रेफरल जरूर अप्लाई करना, तान्या लाइव TANYALIV से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और पेपर वन हो जाएगा आपका मुफ्त, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पेपर वन मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस तान्या एकॉन के नाम से मेरा चैनल है, उसको जाके आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया। वहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ भाई, जैसे इंटरव्यू के लिए कैसे अपियर होना है या फिर जैसे कोई की पॉइंट्स है, इस तरीके की चीज़ें मैं ग्रेट इकोनॉमिस्ट करके मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाली है, पेपर वन की भी वीडियो वहाँ पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, तो सारी जाके आप देख सकते हो। और तान्या एकॉन के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, तो उसे भी जाके आप जरूर ज्वाइन। सो गाइज बात करें अगर हम लोग कॉब डॉगलस की, तो पहली बात तो ये लॉन्ग पीरियड है, शॉर्ट रन तो था नहीं, तो ए तो आपका 100% सही है। जब भाई ए सही है तो थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो भाई खाली कॉन्स्टेंट के लिए, पर ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है भाई अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन आ रहा है, इज इक्वल टू वन आ रहा है, तब आप उसके ऊपर जजमेंट दे सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कॉन्स्टेंट रिटर्न्स के लिए होता है। तो ये भी आपका सी ऑप्शन भी गलत है, तो सी भी गलत, तो ये भी गलत, बस सेकेंड ऑप्शन आपका सही बचा। और आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना भाई, जैसे ये है, ठीक है, अब आउटपुट इलास्टिसिटी मुझे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल चाहिए तो अल्फा ही तो होगी, कॉन्स्टेंट ही तो होगी, विद रिस्पेक्ट टू लेबर चाहिए तो बीटा ही तो होगी, कॉन्स्टेंट ही तो होगी। सो गाइस दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर हियर टू बी आप लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा ए एंड डी वाला, आपको यहाँ पे ये नजर आएगा। ओके क्लियर, तो गाइस लेट मी शो यू कौन है हमारे आज के टॉप 10 विनर्स। अच्छा नंबर्स तो थे नहीं, बसंती, ऐसे तो भैया मुश्किल हो जाएगा विनर ढूंढना, रुको जरा। हाँ आंसर 2 है ना,
फर्स्ट नंबर पे रजनी, सेकंड पे सुमन, थर्ड पे कस्तूरबी, फिर ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन क्लास है, फिफ्थ पे अच्छा कस्तूरबी का तो नाम हो गया, फिफ्थ पे सुरभी, सिक्स पे अजहर, सेवन पे गुलशन, एट पे मिष्टी, नाइन पे रजनी मिश्रा, टेन पे पुष्पा लाल। सो कंग्रेचुलेशन एंड कुड्स फॉर योर गाइस, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अन अकेडमी पर फॉलो कर लेना, ठीक है। अन अकेडमी पर हमारी 20K की फैमिली होने वाली है, बस होने वाली है, थोड़ी सी बस टचिंग रह गई है। यहाँ से आप टेलीग्राम कर लेना, यूट्यूब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तान्या इकॉन के नाम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको अच्छा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी आप लोगों के लिए अबाउट दी हैरड मॉडल, तो हैरड मॉडल भी आप ऐसे ही जाके देख सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। ओके सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर, जब भी हमारा अप्रैल के मंथ में कंडक्ट होगा, और यहाँ पे आप इस चैनल पे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू यूज, अगर आप अनअकैडमी पे आ रहे हो तो रेफरल जरूर डालना, तान्या लाइव, TANYALIVE, चाहे सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे फ्री के बेनिफिट चाहिए, इसको आपने जरूर यूज करना है, ठीक है। थैंक यू।